Hello students of class 12th, once again welcome you all in this online digital classes. So as we all know, we are doing chapter number 8, which is application of integrals, and in this we are doing exercise 8.1. This exercise is not complete, so we have to do further questions of this exercise. We shall start this video with doing question number 9. Today the very first question which I shall be doing will be question number 9 of exercise 8.1. So exercise 8.1, question number 9 is, find the area of the region bounded by the parabola y is equals to x square. A parabola aapko given hai, y is equals to x square, question number 9, okay. Ye aapko kis cheez ki question given hai, parabola ki question, so you can write down, is the, jis cheez ki question aapko given hai, that you must write down, is the equation of parabola. Along, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है? अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसकी भी पावर 1 होती है, ठीक है ना. यहाँ पे वाई की पावर 1 है, सो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओके. सेकेंडली देर इज वन लाइन गिवन टू यू एंड वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स. y is equals to mod x. Mod x का मतलब क्या होता है students? जो mod के अंदर value x की positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है, ठीक है. सो आपको दोनों केस consider करने पड़ेंगे, एक है y is equals to x और एक है y is equals to minus x, ठीक है ना. तो ये दो lines आपको बनाने पड़ेंगे. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बनाना है एक parabola, ठीक है. y is equals to x के आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ parabola along positive y axis, ठीक है ना. तो पॉजिटिव y axis के along जो आपको parabola बनेगा, वैसे तो parabola बनेगा. इसकी इक्वेशन आप लिख सकते क्या है? y is equals to x square. फिर आप एक लाइन बनानी है y is equals to x, ठीक है ना. जो y is equals to x, so since x is equals to y या फिर y is equals to x की जो लाइन बनती है वो कैसे बनती है? एक लाइन विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद x एक्सिस, ठीक है. x is equals to y का मतलब क्या है? जितना x कोऑर्डिनेट उतना ही y कोऑर्डिनेट. अगर मान लीजिए x की वैल्यू y है तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1, x 2 तो y भी 2, x 3 तो y भी 3, x 0 तो y भी 0. तो 0 0 1 1 2 2 को जब आप करके प्लॉट करके लाइन बनाएंगे तो इस टाइप से की लाइन बनेगी, ठीक है. वैसे ही y is equals to minus x, नेगेटिव x एक्सिस के कोऑर्डिनेट में लाइन बनेगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना. तो ये आपकी लाइन हो जाएगी y is equals to minus x और ये आपकी लाइन हो जाएगी y is equals to x. पैराबोला क्या है? y is equals to x square, ठीक है. तो आप लोगों ने जो एरिया निकालना है वो क्या एरिया फाइंड करना था? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, ठीक है. तो लाइन और पैराबोला के पीछे कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला एरिया, ठीक है. और सिमिलरली दिस वन, ये जो लीफ सी बनी हुई है, ठीक है ना, स्मॉल एरिया जो आपको दिखाई दे रही है. दोनों आप देखिए, ध्यान से देखें, दोनों क्वाड्रेंट्स में ये एरिया कैसा है? सेम, इक्विवेलेंट, ठीक है. तो आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है. यू कैन फाइंड आउट ओनली वन एरिया एंड देन आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाइड बाय टू टू फाइंड आउट द टोटल एरिया, ठीक है. अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? जीरो से लेके इस पॉइंट तक. अब ये एक्स क्वाड्रेंट कितना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, आई डोंट नो. तो अब लेकिन फ्रेंड्स, ये पॉइंट है क्या? दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड अ पैराबोला, ठीक है. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? Point of intersection. So to find the point of intersection, so point of intersection कैसे find किया जाता है किसी भी दो figures का? जैसे हम लोग यहाँ पे क्या find करना है? Line और parabola के बीच में point of intersection. तो इन दोनों equations को क्या कर दीजिए? Solve कर दीजिए. इस line की equation क्या है? Y is equals to x. और parabola की equation क्या है? Y is equals to x square. तो बस इन दोनों equations को solve कर दो, इस equation को और इस equation को, ठीक है ना. फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू x, तो y की वैल्यू x यहां पुट कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है. एक काम कीजिए, x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना. यहां से x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1. एक x is equals to 0 और एक x is equals to 1. So, एक x की वैल्यू 0 भी तो आ रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में और दूसरे x की वैल्यू क्या आ रही है? 1. तो ये कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1, ठीक है. y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन सिर्फ x एक्सिस के अलोंग करनी है,
ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 2 into, वाई 2 into, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट्स में ये एरिया है सेम, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये एरिया कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 to 1, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है वो किसके अंडर आ रहे हैं, लाइन के अंडर। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली, इस क्वाड्रेंट में बता देता हूं आपको, ठीक है। जितना एरिया यहां उतना एरिया सेम ऐसे है। सुन देखिए, अगर आप लाइन के नीचे एरिया देखें तो लाइन के नीचे ये पूरा नीचे एक्स एक्सिस तक, सुन जो एरिया काउंट करते हैं वो बॉटम एक्स एक्सिस तक काउंट करते हैं, ठीक है। ये एरिया आ रहा है, मुझे टोटल एरिया नहीं फाइंड करना, मुझे सिर्फ कौन सा एरिया फाइंड करना है, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है ना। हाँ जी, सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है मुझे। तो अब इस टोटल एरिया में कौन सा एरिया मुझे नहीं चाहिए, बॉटम वाला एरिया, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया किसके नीचे आ रहा है, देखिए पैराबोला के नीचे, किसके नीचे आ रहा है, पैराबोला के नीचे। मतलब लाइन के एरिया में से कौन सा एरिया नहीं चाहिए, पैराबोला के अंडर का एरिया नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई ऑफ लाइन, यस वाई ऑफ लाइन में से कौन सा एरिया नहीं चाहिए, पैराबोला के एरिया नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, वाई ऑफ पी डी एक्स, बस ये आपका एरिया हो जाएगा। फाइंड कर लीजिए 2 into integral 0 to 1 वाई ऑफ एल, लाइन कौन सी लाइन, इसके लिए जो आप फाइंड करें, ठीक है ना, y is equal to x के लिए। मैंने बताया ना सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो मैंने शेड आपको समझाने के लिए बना किया हुआ है। सो y of line क्या है, x माइनस y of p, पैराबोला की जो इक्वेशन है उसके y की वैल्यू कितनी है, x square, dx means with respect to x, x you are integrating, zero, let us integrate, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 to 1 ओके, लेट अस पुट द लिमिट्स। एक बार अपन लिमिट पुट कीजिए, एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 2 माइनस, एक बार एक्स यहां पुट कर दो 1, 1 का क्यूब 1, सो 1 बाय 3 माइनस। जब लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, 0 की जगह यहां पुट कीजिए, एक्स की जगह 0, 0 बाय 2 विल बी 0, अगेन 0 बाय 2 विल बी 0, सो 0 ओनली। सिर्फ क्या बचा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6, 3 वन ज़ा 3 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 दैट इज ये हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट, ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। Now see question number 11 is same as we have done question number 1 and question number 2 of this very same exercise 8.1. Take that question you can do on your own. Now I am going ahead to question number exercise 8.2. So let us start exercise 8.2. In this also we have to find the same thing, area between the two curves. In this exercise students, I shall be doing question number 4. ठीक है, first, second, third question similar है, circle और parabola के बीच में area, नहीं तो parabola और line के बीच में area, इस type से questions है, दो circle के बीच में area. Fourth question थोड़ा सा different है, जो अभी तक आप लोगों ने किया है, ठीक है उनसे. So let us see, using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are. आपको तीन vertices given है, उन vertices को join करके triangle बनेगा, उन triangle, उस triangle का area आप लोगों को find करना है, ठीक है. पहला vertex क्या है, माइनस वन कॉमा जीरो, तो करीब यहां जाएगा माइनस वन कॉमा जीरो. सेकेंड 1, 3, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट 1 है तो मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है, तो 1, 3 ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट 1, 3. थर्ड क्वाड्रेंट इज 3, 2, इफ इट इज 1 इट विल बी 2, इट विल बी 3, 3, 2, ये कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा 3, 2, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे अगर आप,
तो ये बन रहा है आपका ट्राइंगल, ठीक है ना। ये ट्राइंगल आपको का एरिया आपको फाइंड करना है, दिस ए, पहला कोऑर्डिनेट था ये ए, दूसरा कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, जो सीरियल ऑर्डर में आपको क्वेश्चन गिवन है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज सी, दैट इज 3,2। ए इज -1,0, बी इज 1,3 एंड सी इज 3,2, ठीक है। तीन वर्टिक्स आपको गिवन है और इन वर्टिसेस के ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रहा है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया। सिर्फ देखिए, अगर हमें एरिया फाइंड करना है, अगर हम लोग को क्या करना है एरिया, इसका टोटल एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सुन देखिए, हम लोग जनरली एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी फिगर के नीचे एरिया आ रहा है। सुन देखिए, अगर आप इसको ऐसे वर्टिकली ज्वाइन करें, ज्वाइन करें मतलब नीचे प्लॉट करें, देखो अगर मैं एरिया देखो ए बी लाइन, मुझे एरिया फाइंड कौन सा करना है, ये एरिया ट्राइंगल, ठीक है। फ्रेंड्स, ए बी के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, ध्यान से देखो, ए बी के नीचे एरिया आ रहा है टोटल एरिया, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसके बाद बीसी के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, पूरा लाइन के नीचे एक्स एक्सिस तक ये वाला एरिया। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए क्या, नहीं चाहिए। मुझे इसमें से कौन सा एरिया नहीं चाहिए, नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए। कौन सा, देखो ये वाला एरिया नहीं चाहिए आपको। आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से आप आराम से शेड करके देख सकते हैं, आपको ये वाला एरिया नीचे नहीं चाहिए। अब जो ये वाला एरिया है वो किसके नीचे आ रहा है, एसी लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है। क्या किया देखो मैंने, एबी के नीचे का एरिया और उसको किसके साथ कंबाइन करना है, बीसी के साथ, मतलब जो एबी के नीचे आ रहा है एरिया प्लस बीसी के नीचे वाला एरिया, लेकिन उन दोनों जब ऐड करेंगे तो उसमें एसी के जो नीचे वाला एरिया ना उसको नहीं चाहिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, माइनस एसी लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है, ठीक है। आप इसको कैसे करके लिखेंगे, ठीक है, मतलब एबी के लाइन का अंडर एरिया प्लस एरिया अंडरलाइन बीसी माइनस एरिया अंडरलाइन एसी, ठीक है। सो तो उसके लिए सुन देखो, हमें क्या पता होना चाहिए, ए बी लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, बीसी लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और वैसे आपको एसी लाइन के भी क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ लाइन हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए होती है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो हमें नहीं पता। सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। लेट अस फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक बार लिख देते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जैसे अगर ए बी लाइन की बात हो रही है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो ए है उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वन कॉमा वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट होता है एक्स टू कॉमा वाई टू। अगर बी सी की बात करें तो पहला बी कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, सी कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू। सो पुट डाउन ऑल द वैल्यूज, वाई माइनस वाई वन, वाई वन है आपका माइनस वन तो जाएगा प्लस वन, वाई टू माइनस वाई वन थ्री माइनस जीरो दैट इज थ्री अपॉन वन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस और एक और माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, वन प्लस वन विल कम टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है माइनस वन, सॉरी लेट मी से, वाई वन कितना है सॉरी जीरो, वाई वन कितना है जीरो, सो वाई माइनस जीरो, ठीक है ना, तो वाई माइनस जीरो, ओके, सो वाई माइनस वाई वन कितना है जीरो, सो वाई माइनस जीरो विल बी वाई ओनली, एंड एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है माइनस वन, सो इट विल कम एक्स प्लस वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन यहां पे ऐसे लिख लीजिए, वाई के सबस्क्रिप्ट में ए बी, दैट मीन्स वाई ऑफ ए बी, ठीक है। सेकेंडली इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है। लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है, बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और सी के कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू। सो वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है थ्री is equals to y2 minus y1 2 minus 3 minus 1 and x2 minus x1 3 minus 1 2 and x minus x1 x1 कितना है 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, कि y की वैल्यू निकालनी है, minus 1 by 2 x से मल्टीप्लाई करेंगे minus x by 2 minus 1 by 2 into minus 1 plus 1 by 2 minus 3 को इधर ले आइए plus LCM ले लीजिए 1 by 2 plus 3 कितना हो जाएगा, so 2 LCM and 1 plus 6 that is 7 by 2, ठीक है। सो 7 by 2 minus x by 2, ये आ गया y। आप इसमें से 1 by 2 कॉमन लेकर आ सकते हैं, तो y कितना हो जाएगा, y of BC हो जाएगा 1 by 2 into 7 minus x, equation number 2। Second line की equation आ गया। Similarly, you are going to find equation of line
एसी, नॉट राइट सी ए, एसी, ठीक है ना। ऑर्डर में चलिए, एसी के लिए ए की कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कॉमा वाई वन और सी की कोऑर्डिनेट्स एक्स टू कॉमा वाई टू। वाई माइनस वाई वन अगेन जीरो इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस जीरो टू, थ्री माइनस माइनस प्लस, सो थ्री प्लस वन विल बी फोर, एंड एक्स माइनस एक्स वन प्लस वन, सो वाई माइनस जीरो गिव्स यू वाई, टू बाय फोर दैट इज वन बाय टू, सो वन बाय टू इन टू एक्स प्लस वन, दिस इज वाई ऑफ ए सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, रिक्वायर्ड एरिया मीन्स शेडेड एरिया विच यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, बड़े ध्यान से लिखना, कौन 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 सी एरिया को प्लस करना है, कौन कौन सी एरिया को माइनस करना है, इक्वेशन ऑफ वाई ए बी, मतलब वाई ए बी का मतलब है जो एरिया अंडर ए बी, ठीक है ना, ए बी का जो लाइन के एरिया अंडर है प्लस बी सी वाला एरिया, इंटीग्रल ऑफ वाई ऑफ बी सी डी एक्स, माइनस जो ए सी के नीचे एरिया आ रहा है वाई ऑफ ए सी डी एक्स, ठीक है ना, ए बी के नीचे एरिया टोटल, BC के नीचे एरिया टोटल, इसमें कौन सा नहीं चाहिए, AC के नीचे वाला एरिया, तो उसको माइनस कर दीजिए। अभी AB की लिमिट्स कहां से कहां थी, AB कहां से कहां लाई कर रहा है, माइनस वन से लेके जीरो, x कोऑर्डिनेट सिर्फ देख रहे हैं माइनस वन टू वन, सॉरी नॉट जीरो, माइनस वन टू वन, BC वन टू थ्री एंड AC माइनस वन टू थ्री, ठीक है, सो YAB क्या है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, थ्री बाई टू एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस वन टू थ्री वाई बी सी, वाई बी सी कितना है, हाफ ऑफ सेवन माइनस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस वन टू थ्री लिमिट वाई ए सी दैट इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ओके, सो लेट अस इंटीग्रेट, थ्री बाई टू को बाहर ले आइए इंटीग्रेशन के, और x प्लस वन की इंटीग्रेशन कर दो, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय टू प्लस वन की इंटीग्रेशन x, कर दी लिमिट्स पुट कर दो, माइनस वन टू वन प्लस अगेन वन बाय टू को बाहर ले आइए इंटीग्रेशन के, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी करनी है, सेवन माइनस एक्स की, सेवन की इंटीग्रेशन सेवन एक्स, कैसे सेवन की इंटीग्रेशन करनी है, सेवन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा वन, वन की इंटीग्रेशन x, सेवन की इंटीग्रेशन जीरो मत करना, वो डिफ्रेंसिएशन होती है, माइनस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय टू लिमिट्स वन टू थ्री, नो माइनस वन बाई टू बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन की इंटीग्रेशन एक्स लिमिट्स माइनस वन टू थ्री, ठीक है, ध्यान से लिमिट्स पुट करना प्लीज, लिमिट्स ही पुट करना यहाँ पे मेन थिंग है, वन जब पुट करो इसमें देखो अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या पुट करनी है वन, तो एक्स की जगह जब वन पुट करोगे वन का स्क्वायर वन, वन बाई टू प्लस जब यहाँ पुट करोगे वन माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है, माइनस वन जब आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना, तो पुट कर दीजिए एक्स की जगह माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हो माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन बाई टू, और जब एक्स की जगह यहाँ पुट करोगे माइनस वन तो प्लस माइनस माइनस वन, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस हाफ, यहाँ पर लिमिट पुट करो थ्री है ना, तो सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन माइनस अपर लिमिट यहाँ पुट करो, ये स्टूडेंट फॉर्मूले का माइनस नहीं है जो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके जो माइनस आई थी वो है एक्स थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन बाई टू माइनस, ये फॉर्मूले का है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करो दैट इज वन, सेवन इंटू वन गिव्स यू सेवन माइनस एक्स की वैल्यू जब वन पुट करोगे तो वन का स्क्वायर वन बाई टू माइनस वन बाई टू लिमिट्स पुट कर दीजिए, ठीक है, थ्री पुट करेंगे थ्री का स्क्वायर नाइन बाई टू एंड प्लस थ्री माइनस लोअर लिमिट, जब माइनस वन पुट करोगे माइनस वन का स्क्वायर वन बाय टू और जब यहाँ पुट करोगे प्लस माइनस माइनस वन, ठीक है, अब सिर्फ आपको क्या करना है लिमिट्स को ओपन करना है। सर देखिए जब आप इधर ब्रैकेट ओपन करोगे क्या हो जाएगा, वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू और माइनस माइनस प्लस वन, तो वन बाय टू माइनस वन बाय टू क्या हो जाएगा कैंसिल या फिर एलिमिनेट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन, सो वन प्लस वन गिव्स यू टू, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, प्लस वन बाय टू इन द ब्रैकेट, अब देखो स्टूडेंट्स जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन, तो ट्वेंटी वन माइनस सेवन गिव्स यू फोर्टीन, और साथ ही साथ
माइनस नाइन बाई टू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू। सो माइनस नाइन बाई टू प्लस वन बाई टू, एलसीएम लेके देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एट बाई टू। माइनस नाइन बाई टू प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, माइनस एट बाई टू, दैट इज माइनस फोर। ओके, देन माइनस वन बाई टू, अब इधर सॉल्व कीजिए आगे, ठीक है। देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू प्लस वन। सो अगेन नाइन बाई टू माइनस वन बाई टू, एट बाई टू, पॉजिटिव एट बाई टू, क्योंकि नाइन बाई टू का साइन बड़ा है, तो नाइन बाई टू माइनस वन बाई टू, एट बाई टू, एलसीएम ले लो, एट बाई टू, एट बाई टू, दैट इज फोर। एंड प्लस थ्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो थ्री प्लस वन गिव्स यू फोर। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, देखो थ्री बाई, ये टू और टू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, सिर्फ थ्री। फोर्टीन माइनस फोर टेन, टेन अपॉन टू गिव्स यू, टेन अपॉन टू गिव्स यू फाइव, सो प्लस फाइव, माइनस फोर प्लस फोर एट, एट अपॉन टू फोर, सो थ्री प्लस फाइव एट, एट माइनस फोर फोर स्क्वेयर यूनिट, फोर स्क्वेयर यूनिट। तो आपका आंसर क्या है, फोर स्क्वेयर यूनिट, ठीक है ना। इसके लिए आंसर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फोर, योर आंसर इज फोर स्क्वेयर यूनिट। ओके, या दिस इज द सॉल्यूशन, इट्स नॉट क्वेश्चन नंबर नाइन, इट्स क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट लिटिल अपोजिट। यहां पे आपको वर्टिसेस गिवन थे, उसमें आपको उल्टा इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशन से आपको पॉइंट्स बनाने, फिगर तो बनाने पड़ेंगे ना पहले, कौन से में से प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि पहले दो इक्वेशंस को प्लस करना और तीसरी माइनस करनी है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ प्लस भी करना हो सकता है, सिर्फ माइनस भी करना हो सकता है, कुछ भी करना हो सकता है। तो पहले आपको पॉइंट्स निकाल के, लाइन के पॉइंट्स निकालने आते हैं, लाइन के पॉइंट्स निकाल के, ठीक है, उन पॉइंट्स को प्लॉट करके फिगर बनाइए, ठीक है। इक्वेशंस आपके पास ऑलरेडी होंगे, सिर्फ इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। फिगर पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिगर बना के तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसको प्लस, कौन सी इक्वेशन को प्लस माइनस करके ऐसे इंटीग्रेशन करनी है आपने। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, एज यू ऑलरेडी नो, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड बाय द एचपी बोर्ड। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ वी हैव डन, दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माई साइड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर नाइन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो टिल देन स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर चैप्टर, complete your notebook, this chapter. Till then, thank you, take care and have a nice day.